क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। बाय ट्रायल और एरर मेथड से इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन है आपकी 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। आपने वैल्यू अपने आप पुट करनी है, p इज इक्वल टू 0। पहले 0 पुट करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 0 नॉट इक्वल टू 17। ऐसे ही पुट p इज इक्वल टू 1, जब हमने p को 1 पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 प्लस 2 7 इज नॉट इक्वल टू 17। ऐसे ही p को 2 के इक्वल पुट किया, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 10 और 2 12 नॉट इक्वल टू 17। ऐसे ही हमने p को 3 पुट किया, p को 3 पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या है, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो जो 17 इज इक्वल टू 17, ये कब पॉसिबल हुआ है, जब हमारी p की वैल्यू क्या आई है, 3। ऐसे ही माइनस की वैल्यू भी आप ले सकते हो, जैसे ये हमारा क्या है, p माइनस 1, माइनस में भी हम ले सकते हैं, p इज इक्वल टू माइनस वन और 5 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। और यहाँ क्या आ गया हमारा, 5 में से 2 माइनस प्लस वाले, तो माइनस का 3 बच गया आपके पास, माइनस 3 इज इक्वल टू 17, जो नॉट इक्वल टू 17 है। ऐसे ही हम क्या पुट करेंगे, p की वैल्यू माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 4, ऐसे ट्रायल मेथड से ऐसे पुट करते जाएंगे हम। अब है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में भी हमने वैल्यू ऐसे ही पुट करनी है, और यहाँ आपकी इक्वेशन क्या है, सेकंड पार्ट में 3m माइनस 14, सेकंड पार्ट है थर्ड का, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। तो बाय ट्रायल मेथड आपने m की वैल्यू 1 पुट की, या आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू कभी भी पुट कर सकते हो आप, पुट m इज इक्वल टू 1 की वैल्यू, m की वैल्यू 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब 3 बन जा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, देखो माइनस के ज़्यादा है हमारे पास 14, तो हमारा क्या बच गया इधर, माइनस 11 इज इक्वल टू 4, जो नॉट इक्वल टू है, जो इसके इक्वल नहीं है। ऐसे ही m इज इक्वल टू 2 पुट कर सकते हो आप, पुट m इज इक्वल टू 2, m को 2 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 टू जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ क्या बच गया आपका, माइनस 8 इज इक्वल टू 4, माइनस 8 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही आपने अब 2 के बाद m की वैल्यू 3 पुट करनी है, पुट m इज इक्वल टू 3, जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 3 जा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। यहाँ क्या बच गया आपका, माइनस 14 है और प्लस के 9, तो हमारा इधर बच गया 5, माइनस 5 इज इक्वल टू 4, जो नॉट इक्वल टू है। अब वैल्यू क्या पुट करोगे,
पुट m इज इक्वल टू जीरो, और फिर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करनी है हमने। m की वैल्यू जीरो ली हमने, क्या हो गया 3 × 0 − 14 = 4। 3 × 0 = 0 के इक्वल, −14 = 4। −14 ≠ 4। −14 जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही वैल्यू लेंगे अब हम नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू पुट की m = −1। 3 × −1 − 14 = 4। अब 3 की −1 के साथ मल्टीप्लाई −3, −14 = 4। −3 और −14 − 17 = 4। देखो ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू। ऐसे ही अब हम क्या पुट करेंगे, पुट m = −1 के बाद −2। तो पुट की वैल्यू −2, 3 × −2 − 14 = 4। 3 × 2 = 6 माइनस के, और −14 = 4। ये हमारा क्या आ गया, −20 = 4। लेकिन क्या है, −20 = 4 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही फिर देखो पॉजिटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू तो इससे जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आई हुई है। अब हम पॉजिटिव वैल्यू को ही पुट करके देखेंगे जो इसके इक्वल आ जाए। अब m को 4 इक्वल लेंगे, m को 4 के इक्वल पुट करेंगे, पुट m = 4। m को 4 के इक्वल पुट किया, 3 × 4 − 14 = 4। 3 × 4 = 12, 12 − 14 = 4। देखो माइनस के बचे हमारे पास क्या, −2। −2 = 4। ऐसे ही ये जो है नॉट इक्वल टू है। अब m की वैल्यू पुट करेंगे हम, पुट m = 5। m की वैल्यू हमने 5 ली, तो जब हम m की वैल्यू 5 लेंगे तब क्या आ गया हमारा, 3 × 5 − 14 = 4। 3 × 5 = 15, −14 = 4। क्या बच गया हमारा, अब प्लस की वैल्यू आई है 1 = 4, जो नॉट इक्वल टू 4 है। ऐसे ही अब हमने और वैल्यू ट्राई करनी है क्योंकि ये इक्वल नहीं आई। अब m की वैल्यू आप क्या लोगे, 5 हो गया, 5 के बाद 6, m की वैल्यू 6 पुट की, पुट m = 6। 3 × 6 − 14 = 4। 3 × 6 = 18, −14 = 4। देखो 18 में से 14 माइनस किए तो हमारा क्या आ गया, 4। 4 = 4। तो बाय ट्रायल मेथड ये हमारा जो है वैल्यू आ गई, जो इक्वल टू, जब हमारा m जो है 6 के इक्वल होगा तब ये इक्वेशन को फॉलो करेगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट की इक्वेशन लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे, आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी हैं, जैसे द सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4 इज 9। आपको ये वर्डिंग दे रखी है, आपने इसकी इक्वेशन बनानी है 4 का फर्स्ट पार्ट। सम ऑफ नंबर एक्स एंड 4, एक्स और 4 का सम जो है वो इक्वल टू क्या है, 9 के इक्वल। ये इस तरह से वर्डिंग लिखनी है आपने, 2 subtract from y is 8। सेकंड पार्ट है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया किस में से, y में से, और वो आपका क्या हो गया, इज 8। इस तरह से आपने ये सॉल्व करने हैं। जैसे थर्ड पार्ट है, 10 टाइम ऑफ
ए इज 70, 10 टाइम ऑफ ए यानी ए का 10 टाइम इज इक्वल टू 70। अब आपका फोर्थ पार्ट है, द नंबर बी डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। नंबर बी, बी नंबर जो है फोर्थ पार्ट डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6, ये 6 के इक्वल आपको दिया हुआ है। इस तरह से आपने ये वर्डिंग वाले अगले क्वेश्चन भी, अगले पार्ट हैं वो भी सॉल्व करने हैं।